हेलो एंड वेलकम टू बाइक लवर अहिल। मैं हूं अहिल और आप देख रहे हो बाइक लवर अहिल। वैसे आज हम हैं एक शॉर्ट राइड पे, मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है जो कि ड्यूक 390 में मतलब कि वो आ रहा है। वैसे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरा फ्रेंड का जो ड्यूक 390 है वो रिसेंटली लगभग 2-3 दिन पहले वो अपना ड्यूक 390 सर्विस किया है। तो आज मैं उसी सेकंड सर्विस के कॉस्ट के बारे में बात करूँगा। तो फ्रेंड शायद आ रहा है, पीछे आने दो उसे। तो भाई का सेकंड सर्विस कॉस्ट बिल वैसे मेरे पास है, ये देखो भाई का बिल भाई का कॉस्ट आया है 2397 रुपीज़, यानी कि 2400 रुपये आया है भाई का। और देख सकते हो भाई ने 390 लेके आ गया। YouTube में वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है कि सेकंड सर्विस वाला कॉस्ट के बारे में वीडियो बनाऊँगा। अच्छा। तो ये है भाई का ड्यूक 390। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटा सा शॉर्ट राइड पे। और ये बता दो, अरे तुम्हारा हेलमेट वो या लेके आ रहा है ना? हाँ लेके आ रहा, ठीक है वो आ रहा है। अच्छा, तो ये है बात। तो भाई का सर्विस कॉस्ट है, कितना सर्विस कॉस्ट है तुम्हारा? 2397 रुपीज़ मैंने देखा, तुमको तो बोला था कल ही। हाँ, तो भाई का 2400 रुपये सेकंड सर्विस कॉस्ट आया। और भाई ने लगभग चला ली है, कितना किलोमीटर चला है एक बार कैमरा एक बार ऑन करके दिखा दो। 5000 बोल रहे भाई, देखो 6616 किलोमीटर भाई ने चला ली है। और बाइक का उम्र हो चुका है, तुमने नवंबर में लिया था ना बाइक लास्ट वाले फर्स्ट नवंबर को, तो यानी भाई का लगभग चार महीना लगभग होने वाला है ये बाइक लेते हुए। और बाइक का सर्विस कॉस्ट तो सेकंड सर्विस भाई ने मतलब कि सेकंड सर्विस किया, तो सेकंड सर्विस कॉस्ट के बारे में जो मैंने देखा बिल में 1580 रुपये इंजन ऑयल का चार्ज किया, 100 या 200 रुपये सब करके ऑयल फिल्टर और नीचे एक जी ड्रेन वॉशर होता है ना ये सब, और भाई का एक चेन क्लीनर ल्यूब के 200 रुपये चार्ज किया है, और 200 से 250 रुपये आपका वो ये फ्यूल इंजेक्टर टोटल बॉडी क्लीनिंग के लिए भाई का ये चार्ज किया है। और 120 रुपये दिया है ममता बनर्जी को और 145 रुपये दिए हैं मोदी जी को। और भाई ने GST बिल बोला है, तो ये सब कुल मिलाकर टोटल भाई ने 2397 रुपीज़ मैं आपको दे दूंगा। तो 2397 रुपीज़ भाई ने बिल मतलब कि भरा है इस ड्यूक 390 का। और भाई का माइलेज अभी कितना मिल रहा है सेकंड सर्विस करने के बाद? मैंने तो देखा नहीं अभी तक, तो फर्स्ट सर्विस के बाद तो 26 तक दे देता है लॉन्ग में। अच्छा, दे देता था 26-27 तक। और हमने ट्रैफिक में चलाओ तो 24-23 मतलब कि सिटी में 22-23-24 इतना मिलता है, और हाईवे में 26-27। अच्छा, तो भाई को इतना ही माइलेज मिला है। और ये जो माइलेज है सेकंड सर्विस के बाद, ज़्यादा देगा तो देखेंगे, ज़्यादा देगा तो हम लोग अपलोड करेंगे मतलब कि इस बारे में वीडियो। और कोई भी जानकारी चाहिए ड्यूक 390 के बारे में, जो जेन 3 है उसके बारे में, तो आप लोग कॉमेंट जरूर करना। और एक चीज़ बता दूँ कि देखिए बहुत सारे वीडियो था रहेगा V4 लेके पीछे रहेगा। और एक चीज़ बता, देखिए ये जो ड्यूक 390 है रिसेंट जनरेशन, इसके इंजन के बारे में बहुत सारा मतलब कि ये फैला हुआ था कि इंजन अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो इसी बात को डर था भाई को भी। और ये डर हटाने के लिए भाई ने लगभग 2-3 महीने में 6000-7000 किलोमीटर चला लिया, समझ ही सकते हो, मतलब बहुत गाड़ी के इंजन को मैं खोल दिया, चूज लिया जाकर। तो भाई का इंजन टॉप स्पीड किया अभी तक 167 तक टॉप स्पीड, भाई ने 167 तक टॉप स्पीड किया। और इंजन के बारे में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो बोल रहा था जनरेशन 3 आवाज आ रहा है, ये सब कुछ भी बोलना पड़ा, इंजन खोलना पड़ा, इंजन करना पड़ा। जो लोग वीडियो वायरल हो रहा है, हो सकता है एक दो गाड़ी में ऐसा हो जाता है, तो एक दो गाड़ी के लिए पूरा गाड़ी क्यों बंदम करे। इसीलिए हमको भी जब गाड़ी लेने जा रहा था तो मेरे को भी डर लग रहा था कि गाड़ी ले कि ए वाला गाड़ी ले या नहीं ले, तो सोच लिया मन में, घुस गया जी KTM लेना है तो KTM ही लेना है, तो KTM ले लिया मैंने। तो ये बात, और ये देखो डर रहा था। हाँ, तो ये देखो भाई का KTM, और ये देखो ये मेरे साथ जाएगा ये भाई, और मेरा अपना ड्यूक मतलब कि सॉरी भाई का ड्यूक 390 और मेरा CB300F, और एक मतलब कि भाई आ रहा है R15 V4 वाला बंदा। और एक चीज़ बताओ कि ये तुम्हारा अभी जो इंजन है, अच्छा इंजन साउंड के बारे में एक बार सुना दो ना कि सेकंड सर्विस करने के बाद। हाँ, साउंड तो न्यूट्रल करने दो मेरे को। हाँ, अच्छा हो गया। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ये नहीं। हाँ, ये देखा, मैं एक बार रेप कर देता हूँ। यह बात एकदम, जो भी साउंड आ रहा है वो एकदम बंद करो
तो ये है बात, बाकी देख ही सकते हो। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, फोन को पकड़ो भाई थोड़ा। तो यही था एक छोटा सा वीडियो ड्यूक 390 के बारे में। अगर आपको ड्यूक 390 के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हो, मतलब कि कमेंट सेक्शन में, और हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। भाई का भी इंस्टाग्राम लिंक मैं दे दूंगा। ड्यूक 390 जनरेशन 3 के बारे में कुछ भी अगर आपको जानना है, लेना है कि नहीं लेना है, सब पूछ सकते हो। और ये जो बाइक का ऑन रोड प्राइस बताओ, तो ये भाई ने 384,000 में भाई ने ये गाड़ी लिया था। तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ड्यूक की सेकंड सर्विस में क्या क्या चेंज होता है, कितना कॉस्ट आता है ड्यूक 390 में, और तुम्हें कितना, मतलब ये सर्विस पीरियड कितना दिन में है, या फिर पीरियड नहीं बताया, लेकिन फिर से किलोमीटर वाइज कितना पाँच में। तो भाई ड्यूक 390 का जो है 5,000 किलोमीटर करने के बाद, यानी कि 5,000 से 6,000 शायद होगा, 5,000 के पहले, 5,000 से पहले। तो हाईएस्ट अगर आपको सेकंड सर्विस ड्यूरेशन जो है वो 5,000 किलोमीटर के अंदर ही करना है। और टाइम के बारे में भाई को पता नहीं, क्योंकि टाइम होगा शायद 6 महीने या 3-4 महीने होगा। और इंजन ऑयल के बारे में बात करें तो एक 1.7 लीटर इंजन ऑयल लगता है ये नया वाला ड्यूक 390 में। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, बाकी आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अच्छा रहना, खुश रहना। और भाई का इंस्टाग्राम आईडी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग फॉलो भी कर सकते हो। भाई अच्छा, बहुत अच्छा रील्स बनाता है, अभी नया सीख रहा है ना, तो आप लोग जरूर फॉलो करना। थैंक यू भाई।